उत्तराखंड के बागेश्वर जिले से एक खबर सामने आ रही है, जहां क्षेत्र में दो शव मिलने से सनसनी फैल गई है। वहीं पुलिस ने मौके पर जाकर शवों को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पहाड़ की शांत वादियों में अचानक क्षेत्र में दो शव मिलने से पिंगलो क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बता दें कि ग्रामीणों को पिंगलो के हेगाड़ गधेरे में एक शव दिखा। ग्रामीणों ने इसकी सूचना बैजनाथ पुलिस को दी। सूचना मिलते ही बैजनाथ के थाना अध्यक्ष कैलाश सिंह बिस्ट दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लिया। मिली जानकारी के अनुसार मृतका के पेट में चाकू के निशान हैं। उसका चेहरा पत्थरों से बेरहमी से कुचला गया है। वहीं महिला की उम्र करीब 40 साल बताई जा रही है। वहीं महिला का शव मिलने के कुछ घंटों के बाद ही एक लगभग 9 साल के बच्चे का भी शव ग्रामीणों ने देखा और पुलिस को इसकी सूचना दी। इस दौरान थाना अध्यक्ष बिस्ट ने बताया कि जिस स्थान पर अज्ञात महिला का शव मिला, उस स्थान से 2-3 खेत ऊपर एक बालक का भी शव बरामद किया गया है। उसके शरीर पर कोई निशान नहीं है। आशंका जताई जा रही है कि शव मां बेटे के भी हो सकते हैं। जांच के बाद ही सही पता चल पाएगा। पुलिस इसे दोहरा हत्याकांड मानकर चल रही है। वहीं दोनों शवों की शिनाख्त की जा रही है। साथ ही पुलिस ने मौके से एक चाकू भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस अब तेजी से जांच में जुट गई है। वहीं घटना कैसे हुई, क्यों हुई, घटना का कारण क्या था, एक साथ क्षेत्र में महिला और बच्चे की मौत होने से लोग आश्चर्यचकित हैं, ये सवाल हर एक व्यक्ति की जुबान में था। पुलिस अब शवों की शिनाख्त करने में जुट गई है।